भी हैं, ब्रजेश जी हाथ तो आप ही के सामने जोड़े जाएंगे। सुनो ब्रजेश जी, ऐसा है आज ये आलोचना उसका समय नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी प्रवीण जी को मैं सुन रहा था और मनोज जी को सुन रहा था, सबको सुना, हरीश जी को। मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरीके से व्यापारी 21 दिन में, अर्थशास्त्री 21 दिन में, इसको भाई कोई बुरा मत मानिएगा, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। और अगर सरकार कह देगी कि 30 अप्रैल के बाद सरकार के आंकड़े में जितने किसान हैं, सक्षम किसानों को अगर कुछ परिवार के तरीके से अगर आप बांट दोगे तो देश में एक आदमी भूख से नहीं मरेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, किसान के पास सब कुछ है, लेकिन जितना प्राइवेट सेक्टर है, अधिकारी हैं, नेता हैं, देखो विधायकों सांसदों ने कहा कि हमारे विधायक निधि से फेसबुक पे चल रहा है, इतने लाख रुपए दे दिया। अरे तुम्हारे बाप की है विधायक निधि, तुमने क्या दिया अपने खेत खरियान से? आज देश को जरूरत है, मैं किसान का बेटा हूं, देश के लिए जो देना पड़ेगा वो किसान देने को तैयार है। लेकिन अगर 20 दिन में लॉकडाउन हटाया गया, देखो इस बीमारी के बारे में बहुत बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हूं, लेकिन हमारा सुझाव है कि गांव ग्रामीण में उनकी जांच हो, किसानों को इससे इसके सुझाव दिए जाएं कि इस तरीके से आपको रहना है, और इसके जांच और जो नमूने हैं उसका चेकअप किया जाए, और कहीं कुछ ना ही घाटा वाटा होगा। अरे हम 70 सालों से घाटा बर्दाश्त कर रहे हैं, 70 साल से, 20 दिन में पूरा देश हाथ फैला रहे हो आप लोग, 70 साल से घाटे की खेती कर रहा हूं, फिर भी नहीं मरा हूं, फिर भी देश के साथ खड़ा हूं। आज चैनल से भारत समाचार के कह रहा हूं कि एक एक किसान देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। 20 दिन में कौन सी ऐसी बात आ गई? विधायक सांसद कह रहे हैं निधि से दे रहा हूं, क्या दे रहे हो भाई? निधि कहां से आई? जो हमारा टैक्स, जो देश का पैसा आता है वो निधि? तुम्हारी बाप की बपौती हो गई? क्या नाटक बना रखे हैं विधायक सांसद? उन्हीं के लिए सब कुछ, सरकार उनके इशारे पे? देश अगर गांव ग्रामीण को छोड़ देगा ब्रजेश जी, मैं फिर भी कहता हूं कि अगर इस हिंदुस्तान को, भारत को जिंदा रखेगा तो किसान रखेगा। आज BMW की फैक्ट्री नहीं चल रही, बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, लेकिन गाय दूध दे रही, किसान खेत में जैसे काम करता था वैसे कर रहा, रात में भी कर रहा, दिन भी कर रहा है। सोच बदलो, अगर दुनिया को कोई जिंदा रख सकता है तो किसान, गांव ग्रामीण। कल अनाज नहीं होगा तो कहां से पैसे लाओगे, कहां से निधि आएगी? विधायक जी, सांसद जी, शर्म खाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, निधि की आप बात करते हो। मैं किसान का बेटा हूं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों की तरफ से, किसान भी एक किसी आदमी को भूख से नहीं मरने देगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वादा करता हूं कि गेहूं खरीददारी में अगर प्रदेश को कुछ जरूरत है तो हर क्विंटल पे हमारे ऊपर लगा दो, हर किसान एक एक दाना आपके देगा और तुम्हारे साथ खड़ा है। धन्यवाद भाई हरनाम सिंह, आप ही जैसे योग्य, बेहतर नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, देश को मजबूती के साथ खड़े रखने वाले किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, शायद ये देश की एकता, इस देश की ताकत, इस देश की मजबूती, और हम सब भारतीय समाज खड़ा है तो उसके बहुत बड़े पिलर आप लोग हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत नमन करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप जैसी महान सोच के किसान हमारे देश के साथ इतने व्यापक और मजबूत तरीके से खड़े हैं। आपने नेताओं को भी आईना दिखाया, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, थैंक यू।